करौली एसपी अनिल कुमार के निर्देश पर जिले भर के थानों में पुलिस गांव जाकर लोगों को समझा रही है, साथ ही मॉब लिंचिंग से बचने की लोगों से अपील भी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर लोग रात रात भर पहरेदारी भी कर रहे हैं। भरतपुर से एक कच्चादारी गिरोह की चर्चाएं शुरू हुई थी, वहां कुछ वारदात उन्होंने की। टोटल जो आंकड़े निकल के आए 4000 लगभग कॉल अब से 4-5 दिन पहले तक भरतपुर पुलिस कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई, उनमें से 3995 कॉल झूठी थी। 4000 में से 3995 कॉल झूठी थी ऑन रिकॉर्ड, कुल मिला के 5, मात्र 5 कॉल सही थी। ये कॉल 10-12 दिन के अंदर में थी, 10-1 दिन के अंदर में। अब आप अंदाजा लगाइए कि 4000 कॉलों को वेरीफाई करने के लिए उधर के सिर्फ 5-6 थाने, सही है, उद्योग नगर है, कुमेर है, और अपना सिटी के लगते हुए जो थाने, उनको कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी। वो किस वजह से, सिर्फ अपन कोई चीज़ सुन रहे हैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। एक ने कह दिया कि मैंने इधर देखे, दूसरे ने वेरीफाई नहीं किया और उसने बना दिया कि साहब बिल्कुल निकले हैं, हमने भी देखे। सेम वही कंडीशन 8-10 दिन निकल जाने के बाद यहाँ पे पैदा हो गई अपने हिंडौन सर्किल में, विशेष रूप से पूरे सर्किल में यही है। कोई फेरी वाला भाई, इस चीज़ को तो पहले भी हम कहते रहे हैं और अब भी कह रहे हैं, कोई फेरी वाला आता है, कोई अजनबी आता है, ज़्यादा कीमत के सामान को कम कीमत में दे रहा है, उसका उद्देश्य दूसरा हो सकता है, तो उसको वेरीफाई करना चाहिए, अपन को सजग रहना चाहिए उसके प्रति। अगर ऐसा कोई आदमी है औने पौने दामों में चीज बेच रहा है, या फिर माल कम है, आदमी ज़्यादा है, क्यों, माल तो 1000 रुपये का, 3-3 आदमी साथ, 4-4 आदमी साथ घूम रहे हैं, तो उनका भी उद्देश्य अलग हो सकता है। ताका झाकी कर रहे हैं मकानों में, उनका बेचने से ज़्यादा उद्देश्य इधर उधर